Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at LearnoHub.com. चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन है, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे चेंजेस उनमें आए हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में, ठीक है। तो आपको अगर याद हो तो हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी यही पढ़ा था। उसमें बस क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि व्हाई देयर इज अ नीड टू चेंज द क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिकली हम एक ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर रहे हैं, हम उसको अलग अलग लेवल्स में उसको डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे वो कौन से किंगडम में होगा, रिलेटेड टू कि वो प्लांट्स की तरह दिखता है, एनिमल्स की तरह दिखता है या मोनेरा की तरह दिखता है, राइट। यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, उसके उसकी स्पीशीज, उसकी क्लास, उसकी फैमिली, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करके हम उसको किसी एक पर्टिकुलर किंगडम में डालते हैं, क्लास में डालते हैं, ऑर्डर में डालते हैं, फैमिली में डालते हैं, फाइलम में डालते हैं, स्पीशीज उसकी देखते हैं। तो वैसे ही अब अगर हम देखें तो हमारे पास कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं जो नोन हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो अब अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो हर कुछ टाइम में हमें कोई ना कोई नई स्पीशीज देखने को मिलती है। क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो हमने स्पीशीज ऑलरेडी डिस्कवर की हैं, क्या सिर्फ इतनी सी स्पीशीज हैं? नहीं, कुछ ऐसे जोन्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं हमारी अर्थ पर जो बहुत ठंडे हैं या जो बहुत गर्म हैं और वहाँ पर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को तो हम स्टडी कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, राइट। तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं वो चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे न्यू स्पीशीज आती रहती हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कीप ऑन चेंजिंग एज न्यू स्पीशीज आर फाउंड, राइट। अब बहुत सारे साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट्स ने इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए कुछ एफर्ट्स किए। सबसे पहले एरिस्टोटल आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपली जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने बोला कि कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स को उन्होंने बोला कि वो कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर हैबिट, ठीक है। जो बहुत छोटे हैं दे आर हर्ब्स, जो थोड़े उससे बड़े हैं झाड़ जैसे हैं दे आर श्रब्स, जो बहुत टॉल हैं जिनकी ह्यूज स्टेम है उनको उन्होंने बोल दिया कि ये ट्रीज होते हैं। वहीं पर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को उन्होंने क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये तो थी एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन। फिर हम आते हैं लाइनस की क्लासिफिकेशन पे। तो इन्होंने अगेन एनिमल्स को ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मतलब दे हैव क्लासिफाइड एज प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली, ठीक है। तो उन्होंने बट वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए बिटवीन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेल है। बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टीसेलुलर हैं, उनके पास बहुत सारे सेल्स हैं उनकी बॉडी में, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ये ना एरिस्टोटल एक्सप्लेन कर पाए ना ही ये लाइनस एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। उसके बाद आए थर्ड साइंटिस्ट जो थे हैकल और कोपलैंड। उन्होंने हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और कोपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। तो ये 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एफर्ट्स किए, जिन्होंने अपनी अपनी क्लासिफिकेशंस दी, लेकिन तीनों कहीं चारों के चारों कहीं ना कहीं फेल हो गए। वो अपने जो उनकी क्लासिफिकेशन थी उसको वो प्रूव ही नहीं कर पाए,
ठीक है. तो उसके बाद एक एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विटेकर. अब हम उनके बारे में देखते हैं. तो उसके बाद आए विटेकर, उन्होंने दिया फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया पांच किंगडम्स में, जो कि है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, ये पांच किंगडम्स उन्होंने दिए. और उन्होंने किस बेसिस पर ये किया, उन्होंने इस बेसिस पे किया कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, और जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं वो क्या है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो इन्होंने सिस्टम दे दिया हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होते हैं तो उसके बेसिस पे जो हमारा ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, उसको हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं चेंज करते रहते हैं. ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो नया ऑर्गेनिज्म आए उसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हों जो सबके साथ ही जा रहे हों. ठीक है, हर एक किंगडम में कुछ ऐसा हो. ठीक है, वैसे हो नहीं सकता क्योंकि या तो वो यूनिसेल्युलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा, तो वो किसी एक किंगडम में हम डालेंगे. ठीक है, मान लिया वो यूनिसेलुलर है तो वो मोनेरा में जाएगा, है ना. अब उसके बाद उसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हों कि वो बिल्कुल एनिमल से मैच कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें एनिमल से मैच कर रही हैं, तो उस बेसिस पर हम अपना जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं इनटू कुछ हिराकियल ग्रुप्स जो हमने पढ़े हैं, और सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. राइट, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है. अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू है स्टेट टू इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया. तो अगर आप देखो तो मैंने बहुत सारे ही लिखे हैं, तो जो आपको याद रहता है, जो आपको पसंद आता है वो आप लिख सकते हो. तो सबसे पहले हम हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस देखेंगे. तो सबसे पहली बात है कि जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वही होते हैं ना हेटरोट्रॉप्स. तो वो क्या करते हैं, दे एक्ट एज डीकम्पोजर्स और वो ह्यूमंस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, जो हमारे आसपास जो भी डेड और डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स हैं उनके ऊपर एक्ट करते हैं और उनको डीकम्पोज कर देते हैं. ठीक है, उनको डीकम्पोज करके उसका ह्यूमस बना देते हैं. ठीक है, इससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है. देन कमिंग ऑन टू द सेकेंड, वो सिम्बायोटिक, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट क्लास 8 में हमने ये, 7 में हमने ये पढ़ लिया था. तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं प्लांट्स की. उसके बाद कुछ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस है, वो हेल्प करता है कर्ड फॉर्मेशन में. फिर कुछ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वो सीरम की प्रोडक्शन में, वैक्सीन्स में, विटामिन्स में, एंजाइम्स और एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. सो दीज आर द इकोनॉमिकल यूजर्स, राइट. देन दे आल्सो हेल्प इन सीवेज डिस्पोजल एंड मेन्योर प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये कुछ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्के बैक्टीरिया. तो चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट जो कि है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ आर्के बैक्टीरिया. तो अगर हम आर्के बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आर्के बैक्टीरिया एक ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म्स हैं जो मिले हैं अर्थ पर, और वो बैक्टीरिया को रिसेम्बल करते हैं, इसलिए हमने उनको किंगडम मोनेरा में डाला है. लेकिन वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनसे सेपरेटली वो डिस्कवर हुए हैं. ठीक है, तो हमने उसको एक अलग ग्रुप दे दिया है, दैट इज आर्के बैक्टीरिया. तो अगर हम आर्के बैक्टीरिया के इकोनॉमिक यूजेस की बात करें, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें, तो इसमें आते हैं कुछ मिथेनो बैक्टीरिया. तो जैसे कि इसका नाम है मिथेनो बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये किसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यू कैन से बायोगैस और गोबर गैस की प्रोडक्शन में, जिसको कि हम विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल एज इट कंटेन्स मिथेन. ठीक है, तो कुछ मिथेनो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और क्योंकि इनके में मिथेन होता है इसलिए इनको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं.
उसके बाद कुछ और आर्के बैक्टीरिया होते हैं जो बायो लीचिंग में हेल्प करते हैं, बायो लीचिंग ऑफ मिनरल्स। फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे थर्मस एक्वेटिकस, ये आपने पढ़ा होगा, ये इससे हमें मिलता है टैक पॉलीमरेज। और ये टैक पॉलीमरेज कहाँ पर यूज होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इन शॉर्ट लिखते हैं RDNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, हम इसको RDNA भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो टैक पॉलीमरेज है ये PCR में यूज होता है, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आप फर्दर कुछ क्लास 12 में जब बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ोगे तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दे आर फाउंड इन द गट ऑफ र्यूमिनेंट्स एंड दे एड इन डाइजेशन। तो कुछ आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं वो र्यूमिनेंट्स के गट में होते हैं, काउ में होते हैं, बफलो में होते हैं, और उनमें ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो सी हाउ इम्पॉर्टेंट आर दीज आर्के बैक्टीरिया टू अस, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल्स इन डाई एटम्स। तो डाई एटम्स होते क्या हैं? डाई एटम्स होते हैं कुछ फोटोसिंथेटिक एल्गे, ठीक है। अब ये जो डाई एटम्स होते हैं इनकी सेल वॉल को हमने एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं फ्रस्ट्यूल्स, राइट। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है प्राइमरली, मतलब जो प्राइमरी चीज होती है उसमें, दैट इज सेलुलोज। लेकिन उस सेलुलोज के बीच में होते हैं कुछ सिलिका पार्टिकल्स, राइट। सो दे आर, दिस सेलुलोज इज इम्प्रेग्नेटेड विद दीज सिलिका पार्टिकल्स, ओके। अब अगर हम इसके इसको ध्यान से देखें तो इसकी जो सेल वॉल होती है ना वो ऐसे होती है, मतलब दो लेयर्स होती हैं, दो ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं जो हमें एक सोप डिश के जैसे लगते हैं। तो जो लोअर पार्ट होता है, जो केस होता है, और एक ऊपर होती है लिड। तो लोअर पार्ट को बोलते हैं हम हाइपोथीका, और जो लिड होती है उसको हम बोलते हैं एपीथीका, राइट। सो एपीथीका एंड हाइपोथीका, राइट। सो इट अपियर्स एज अ सोप केस, ठीक है। अब क्योंकि इसमें सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं इसलिए ये रेजिस्टेंट होती है टू डिग्रेडेशन, ठीक है, ये डिग्रेड नहीं होती है। अब ये तो था सेल वॉल के बारे में कि इनकी सेल वॉल कैसी होती है। अब थोड़ी सी और चीज़ें इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है हमारी बुक में, छोटा सा है। तो ये जो मतलब डाई एटम्स होते हैं ना, ये वाटर रिजर्वायर मतलब सी और ओशन में ना ये नीचे रहते हैं, मतलब ठीक है, ये अकमलेट होते जाते हैं और ये डाई एटोमेशियस अर्थ बनाते हैं एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, राइट। सो दे आर यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। अब ये जो डाई एटम्स होते हैं इनको हम यूज करते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन पर्पजेज, जैसे पेट्रोलियम की प्यूरिफिकेशन है, फिल्ट्रेशन है, और बाकी और क्रूड प्रोडक्ट्स की फिल्ट्रेशन में। इसके बाद ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, दीज आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं डाई एटम्स, ठीक है। ये एक वन मार्कर क्वेश्चन है, ये भी एक वन मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म्स एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड्स सिग्निफाई, ठीक है। तो ये दो टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गल ब्लूम की। तो इससे हमें कहीं ना कहीं पता ये चल रहा है कि ये एल्गे से रिलेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कुछ ऐसी वाटर बॉडीज जहाँ पर पानी कम दिखाई दे रहा है लेकिन उसके ऊपर एक ग्रीन सी लेयर आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है, जैसे प्लांट, जैसे कि वहाँ पर प्लांट्स उगे हुए हैं उस पानी में, ठीक है। और बेसिकली वो कोई प्लांट्स नहीं है, उसके नीचे पानी ही है, ठीक है। तो वो एक एल्गी आपको बहुत ज़्यादा एल्गी आपको वाटर बॉडीज के ऊपर दिखाई देती है। सो इट कॉजेज डिसकलरेशन ऑफ द वाटर बॉडीज। और ये होती क्या है, ये एक होती है ड्यू टू द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एल्गी। तो वो जो वाटर बॉडी होती है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एल्गे ग्रो कर जाती है। क्यों कर जाती है? क्योंकि उस पर्टिकुलर वाटर का जो मिनरल कॉन्टेंट होता है और जो न्यूट्रिएंट कॉन्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो
ये जो एल्गे होती है ये इस न्यूट्रिएंट कंटेंट को, मिनरल कंटेंट को यूज करके ग्रो हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम. द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे ओवर अ वाटर बॉडी विच कॉजेज डिसकलरेशन ऑफ द वाटर, राइट? तो अब इससे क्या होता है, मतलब एल्गल ब्लूम से क्या होगा, अब बहुत सारी एल्गे ग्रो हो गई है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो पानी है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है. इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेज एंड द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये ऑक्सीजन को इनहेल कर ले रही है, बेसिकली ये ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है और अपनी ग्रोथ के लिए और अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, जो कि उन ऑर्गेनिजम्स को, उन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को जो चाहिए है ऑक्सीजन, वो यही एल्गी पूरी की पूरी यूज कर रही है, ठीक है. अब ये होता कैसे है, अब ये जो मिनरल कंटेंट है और ये न्यूट्रिएंट कंटेंट है, ये कैसे बढ़ता है, ये बढ़ता है जब आसपास से कहीं से कुछ, जैसे फील्ड्स से कुछ अब पानी दिया है, ठीक है, अब वो पानी ओवर वाटरिंग हो गई है, ठीक है, ओवर इरिगेशन हो गई है, तो वो सारा का सारा पानी क्या होगा, जो नियर बाय वाटर बॉडीज है वहां पर उतर के आ जाएगा, तो उसके साथ जो मिनरल कंटेंट होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी सारे आ जाएंगे. अब यहाँ पर अब वो न्यूट्रिएंट्स पानी में है, तो वो पानी में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनको यूज़ कर सकते हैं, जो प्लांट्स हैं जो उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकते हैं, वो उनको यूज़ करके खुद बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से जो हमारा जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो हमारा पानी है वो ख़राब हो जाता है और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, राइट. उसके बाद जो हमारी सेकेंड टर्म है दैट इज रेड टाइड्स. तो अगर हम रेड टाइड्स की बात करें तो इसका नाम ही बता रहा है, समथिंग रिलेटेड टू रेड. सो इट इज अ रेड कलरेशन ऑफ सी वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ डायनोफ्लैजेलेट दैट इज गोनोलैक्स, ठीक है. तो रेड जो सी वाटर होता है वो रेड अपेयर होने लग जाता है, वो किसकी वजह से होता है, एक डायनोफ्लैजेलेट है गोनोलैक्स, उसकी वजह से, ठीक है. अब क्या ये रेड टाइड भी कोई यूजफुल चीज़ है हमारे लिए? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्या करती है, ये कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है और वो टॉक्सिन्स हमारी फिशेस के लिए अच्छे नहीं है, और उनकी वजह से हमारी फिशेस, हमारे जो वाटर बॉडीज में जो फिशेस हैं, जो सी वाटर में फिशेस हैं, वो मर जाती हैं, राइट. सो आई होप ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी. अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर विरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस. तो विरॉइड्स और वायरसेस में क्या डिफरेंस है? तो विरॉइड्स जो होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट नोन एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है. मतलब जो इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें बता हैं, उनमें जो सबसे छोटे एजेंट्स होते हैं ना, दे आर विरॉइड्स. मतलब ये वायरसेस से भी छोटे होते हैं, राइट. सो इन कंपैरिजन टू विरॉइड्स, वायरसेस आर, दे आर लार्जर इन साइज, ठीक है. सिंपल सा डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है. अब उसके बाद अगर हम विरॉइड्स की बात करें, सो दे डू नॉट हैव कैप्सिड एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स. तो विरॉइड्स के पास कैप्सिड नहीं होता है और उनसे एसोसिएटेड जो भी प्रोटीन्स हैं वो नहीं होते हैं. लेकिन वहीं अगर आप वायरसेस का स्ट्रक्चर याद करो, तो वायरस में कैप्सिड भी होता है, मतलब एक कोटिंग, एक कवरिंग होती है, और वो बनी होती है प्रोटीन्स की और लाइपोप्रोटीन्स की. तो मतलब कैप्सिड भी है और उससे एसोसिएटेड प्रोटीन्स भी हैं. वहीं पर अगर हम वायरसेस, विरॉइड्स के जेनेटिक मटेरियल की बात करें, तो इनके पास यूजुअली स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होता है. वहीं पर अगर हम वायरसेस की बात करें, तो इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है. मतलब जो भी होगा वो एक ही तरह का होगा, लेकिन उनके पास किसी भी तरह का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, राइट. तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल. देन विरॉइड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब वो जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो सिर्फ प्लांट्स में करते हैं. वहीं अगर हम वायरसेस की बात करें, तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही इन्फेक्शन कॉज करते हैं, राइट. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ. तो प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ बेसिकली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल्ड हैं और उनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं है,
और वो हिट्रोट्रॉपिक है, मतलब वो एज अ प्रीडेटर भी रहते हैं और एज अ पैरासाइट भी रहते हैं, राइट। तो ये तो है हमारे प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के चार मेजर ग्रुप्स हैं, तो हम एक एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैं हमारे एमीबॉयड प्रोटोजोआ, ठीक है। तो जैसा कि इसका नाम है, इसमें क्या है, ये कैसे हैं, ये कुछ अमीबा जैसे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ रहते हैं, सबसे पहले ये फ्रेश वाटर में, सी वाटर में या मॉइस्ट सॉयल में, ये कहीं भी आपको मिलेंगे। बेसिकली जहाँ पर पानी पानी सा है वहाँ पर आपको ये मिलेंगे। अब ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपना प्रे यूजिंग सीडोपोडिया, ठीक है। हमने इनको एमीबॉयड क्यों बोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अमीबा को रिजेंबल कर रहे हैं। ये भी क्या करते हैं, अपने जो साइटोप्लाज्म है उसकी एक्सटेंशंस बनाते हैं, उसी से खाना कैप्चर करते हैं और उसी से उनकी मूवमेंट होती है थ्रू दिस सीडोपोडिया। इसीलिए हम इनको बोलते हैं एमीबॉयड प्रोटोजोआ, ठीक है। जो सीडोपोडिया होते हैं उनको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज फॉल्स फीट, राइट। अब इनका एक एग्जाम्पल है जैसे कि एंटामीबा। एंटामीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमीबॉयड प्रोटोजोआ, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा है ना, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। उसके बाद हमारा सेकंड है फ्लेजुलेटेड प्रोटोजोन। तो अब जैसा इसका नाम है, उसके वो एमीबॉयड था, तो अमीबा में क्या होते हैं, सीडोपोडिया होते हैं, राइट। ये फ्लेजुलेटेड है, तो इसका मतलब कि इसके पास मूवमेंट के लिए क्या है, फ्लेजुला है। तो इट कैन बी अ पैरासाइट, इट कैन बी अ फ्री लिविंग प्रोटोजोन, इट हैज फ्लेजिला विच दिस ऑर्गेनिज्म यूज फॉर मूवमेंट, ठीक है। इसका नाम ही हमें बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइपेनोसोमा, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस नामक एक डिजीज होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो नाम है वही बता दे रहा है उसका काम, उसकी मूवमेंट, और आपको साथ के साथ लिखना है एक एग्जाम्पल, राइट। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को, चलिए देखते हैं थर्ड। थर्ड है सीलिएटेड प्रोटोजोन। तो अगेन जैसा कि इसका नाम है, इसमें क्या है, सीलिया है बहुत सारे, राइट। सो सीलिया, दे हैव सीलिया फॉर देयर मूवमेंट, और ये एक्वेटिक होते हैं। इनके पास दो न्यूक्लियर होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, राइट। फॉर एग्जाम्पल पैरामेशियम, बहुत ही सिंपल था, मतलब इसमें जो मूवमेंट हो रही है वो हो रही है विद द हेल्प ऑफ सीलिया, राइट। उसके बाद आगे आ गए हमारे स्पोरोजोआ। तो अगर हम स्पोरोजोआ की बात करें तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्टेजेस होती हैं, जो लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस होती हैं, वो होती हैं इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस, ठीक है। तो इसका जब मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो दे डू नॉट पोजेस सीलिया, इनके पास ना सीलिया होता है ना फ्लेजुला होता है, ये एंडोपैरासाइट होते हैं और इनकी बॉडी कवर्ड होती है पेलिसिल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कौन सा प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करता है, वो भी एक पैरासाइट है, राइट। तो इसीलिए हमने इसको स्पोरोजोआ बोला है, स्पोर समथिंग रिलेटेड टू स्पोर्स, मतलब कि इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें जो स्टेजेस हैं, जो स्पोर लाइक स्टेजेस हैं, वो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस हैं, ठीक है। तो उनके पास ना सीलिया होते हैं ना फ्लेजुला होते हैं, वो एंडोपैरासाइट होते हैं और वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स दैट आर पार्शियली हिटरोट्रॉपिक। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम क्लास सेवन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। हमें पता है प्लांट्स क्या करते हैं, वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉयल से वो पानी लेते हैं, और उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो क्या करता है, वो सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है। तो ये जो चार चीजें हैं ये मिलके बनाती हैं शुगर, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। यही पढ़ा है हमने फोटोसिंथेसिस में। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इन सब चीजों से पूरी नहीं हो पाती है। अब उसने सॉइल से वाटर के साथ मिनरल्स तो लिए, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो कुछ और ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं पार्शली हिटरोट्रॉपिक, मतलब वो अपना खाना खुद भी बना रहे हैं और वो कुछ और ऑर्गेनिजम्स पर भी फीड कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। इसके ऊपर क्या थी, एक लिड थी, राइट। ऐसा कुछ एक प्लांट था, है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर था, इसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट,
ठीक है, ये एक घड़े के जैसा होता है जिसके ऊपर एक लिड होती है। जैसे ही ऑर्गेनिज्म इसके पास आता है ये इसके अंदर ट्रैप कर लेता है। इसके अंदर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक बार इंसेक्ट इसके अंदर आ गया, अब इसने इसको ट्रैप कर लिया, अब ये इसको बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। और इसकी अब लिड क्लोज हो जाएगी और इसके अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इस खाने को डाइजेस्ट कर देंगे, मतलब इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देंगे और उसकी पूरी की पूरी न्यूट्रिशन ले लेंगे। अब सबसे पहली बात कि ये ग्रीन भी है, ये ऑटोट्रॉपिक भी है, लेकिन ये एक ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहां पर नाइट्रोजन बहुत कम है। तो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये और इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, ठीक है। सो टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन दे फीड ऑन इंसेक्ट्स, ठीक है। जो लीव्स होते हैं निपेंथिस के, जो पिक्चर प्लांट के जो लीव्स होते हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब घड़े के जैसे शेप के, जैसा कि ये है ऐसे में मॉडिफाई हो जाते हैं लीव्स और वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं यूजिंग देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे प्लस दे आर कार्निवोरस फॉर ऑब्टेनिंग नाइट्रोजन, इसीलिए हम इनको हिटरोट्रॉपिक बोलते हैं, मतलब पार्शियली हिटरोट्रॉपिक, हिटरोट्रॉपिक नहीं बोलते हैं बट पार्शियली हिटरोट्रॉपिक। तो मतलब ये पार्शियली ऑटोट्रॉपिक हैं और पार्शियली हिटरोट्रॉपिक हैं, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू द टर्म्स फाइकोबायंट एंड माइकोबायंट सिग्निफाई। तो हमने एक एसोसिएशन पढ़ी है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसका नाम है लाइकन्स। लाइकन एक ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गे और फंजाई, ठीक है। और ये दोनों ऑर्गेनिज्म इस एसोसिएशन में बेनिफिट होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, राइट। अब अगर हम बात करें कि एक दूसरे को ये कैसे बेनिफिट करते हैं, तो जो एल्गे होते हैं ना, एल्गे होती है फोटोसिंथेटिक, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकती है। तो एल्गे क्या करती है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है और फंजाई को खाना देती है। और वहीं पर मतलब ये क्या करे कि ये इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज फोटोसिंथेसिस, राइट। अब वहीं पर अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई का क्या काम है, फंजाई इसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इसको हार्श कंडीशन से, एडवर्स कंडीशन से, जैसे बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत सूखा है, उन सब चीज़ों से इसको बचा रहा है। कैसे बचा रहा है, ये एक तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एयर से, राइट। और उसके बाद ये क्या करता है, ये खुद को, मतलब ये इस पूरी एसोसिएशन को इतना टाइटली बाइंड कर देता है, या तो रॉक्स से, या तो ट्री के बाग से, या कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर से जहाँ पर ये टाइटली बाइंड हो जाए और धूप छांव गर्मी तूफान से इनको कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो एल्गे का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और फंजाई का क्या काम है, फंजाई का काम है शेल्टर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो अब हमने ये इतनी लंबी कहानी क्यों पढ़ी, हमने ये इसलिए पढ़ी क्योंकि ये जो दोनों टर्म्स है ना ये इसी से रिलेटेड हैं। तो हमने बोला लाइकन्स, ठीक है, लाइकन्स क्या है, लाइकन्स इज इक्वल टू एल्गे प्लस फंजाई, राइट। तो एल्गे क्या है, एल्गे बेसिकली है फाइकोबायंट, ठीक है, जो इसका एल्गल कंपोनेंट है लाइकन का उसको हम बोलते हैं फाइकोबायंट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं माइकोबायंट, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमारे पास चार क्लासेस हैं फंजाई की, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, डिटीरियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बसीडियोमाइसिटीज, राइट। तो हमने हर एक के बारे में हमने एक कंपैरेटिव नोट देना है, ठीक है, जिसमें हमने उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करना है, जिसमें हमने उनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो उसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब ये सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर भी हमें मिलेंगे, और दूसरे ये पैरासाइट्स भी होते हैं,
ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली कैसे करते हैं, इनके पास दो तरह के स्पोर्स होते हैं, एक होते हैं मोटाइल जिन्हें हम जूस्पोर्स बोलते हैं और एक होते हैं नॉन मोटाइल जिनको हम एप्लैनोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजिंग दीज स्पोर्स, ठीक है, जूस्पोर एंड एप्लैनोस्पोर, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके पास बनता है फ्यूजन ऑफ टू गेमिट से, इनके पास बनता है जाइगोस्पोर। ठीक है, अब ये सिमिलर होता है मॉर्फोलॉजी में, डिसिमिलर होता है, तो उसके बेसिस पे इसको फर्दर तीन में डिवाइड किया गया है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हुआ आपको। फाइकोमाइसिटिस इसका एक एग्जांपल है, राइजोपस, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन हर एक क्लास का आपको एक एग्जांपल आना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये एक नॉलेज रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि फाइकोमाइसिटिस में, इस क्लास ऑफ फंजाई में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, इसका क्या एग्जाम्पल है। ओके, अब हम देखते हैं इसकी सेकंड क्लास। तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्लास ऑफ फंजाई की, जो की है एस्कोमाइसिटिस। तो इसमें कुछ जो फंजाई आते हैं वो है पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, और उसके सिवा इसकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो वो सेप्रोट्रॉफिक हो सकती है, पैरासिटिक हो सकती है, या वो डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, और उसमें इन एडिशन है कॉप्रोफिलस। ठीक है, तो कॉप्रोफिलस क्या होते हैं, विच ग्रो ऑन डंग, बेसिकली जो ह्यूमन या एनिमल एक्सक्रीटा पे ग्रो करते हैं, बाकी सारी तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। सो मतलब वो क्लास ऑफ फंजाई जो ग्रो करते हैं किसके ऊपर, डंग के ऊपर, एक्सक्रीटा के ऊपर, एनिमल एक्सक्रीटा के ऊपर। अगर हम इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल होता है थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया, और सेक्सुअल होता है थ्रू एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। वहीं पर अगर हम बात करें डिटेरियोमाइसिटीज की, तो उसका एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास है फंजाई की, इसका एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा, और इसमें सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, और इनमें डीकम्पोजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होती है। वहीं पर अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कॉल्ड कोनिडिया, और सिर्फ इन्हीं के थ्रू क्या होता है, इन्हीं के थ्रू होती है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। चलिए अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास जो कि है बेसिडियोमाइसिटीज। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे स्टिलैगो, गैरिकस, ये बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में मिलेंगे हमें, राइट। अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये यूजुअली सेप्रोट्रॉफिक है, और कुछ जो है वो डिकम्पोजर्स भी हैं। वहीं पर अगर हम आ जाए अब इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन मेथड है वो यूज हुए थे, मतलब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं थी, लेकिन इसमें थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन मेथड। ठीक है, कि वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, राइट, तो इसमें थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट। उसके बाद इसमें सेंस ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं, मतलब जो भी फंजाई आते हैं हमारे बेसिडियोमाइसिटीज में, उनमें सेक्स ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, मतलब एब्सेंट होते हैं, और उसमें जो हमारे, अगर हम बात करें कि और कौन सी तरह की रिप्रोडक्शन होगी, तो हम उसे बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। इसमें क्या होता है, दो तरह के जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, राइट, या फिर यू कैन से वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, वो फ्यूज करते हैं और वो फॉर्म करते हैं बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो आई होप आपको चारों क्लास पता लग गए होंगे, उनके एग्जाम्पल्स पता लग गए होंगे, और साथ ही साथ उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है यूग्लेनॉइड्स के, तो यूग्लेनॉइड्स क्या है, ये बेसिकली प्रोटिस्ट्स हैं, दे आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट जो ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हैं न्यूट्रिशन में, मतलब कि जब सनलाइट होगी तो ये ऑटोट्रॉफिक बन जाएंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जब सनलाइट नहीं होगी तो ये हेटरोट्रॉफिक बन जाएंगे। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, और बॉडी कवर्ड होती है कुछ प्रोटीन प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन से, जिसे हम बोलते हैं पैलेसिन, राइट।
इसके पास फ्लैजेला होते हैं, दो फ्लैजेला होते हैं जिनके साइजेस डिफरेंट होते हैं और ये उसके एंटीरियर सरफेस पे होते हैं, मतलब आगे की तरफ होते हैं दो फ्लैजेला। इनकी जो बॉडी होती है वो प्लांट लाइक भी होती है और एनिमल लाइक भी होती है। प्लांट लाइक क्यों होती है? क्योंकि क्लोरोफिल है उनमें और वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। और एनिमल लाइक क्यों होती है? क्योंकि जब जो उनकी सेल वॉल है ठीक है वो एब्सेंट है। और ये हमने किस में पढ़ा है? ठीक है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो हमने देखा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, राइट? तो इसीलिए ये एनिमल लाइक भी है। ठीक है, जो इनका एनिमल लाइक कैरेक्टर है दैट इज द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, राइट? तो बहुत ही सिंपल है, ये क्या है? ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है और ये प्रोटिस्टा है। ठीक है, दूसरी बात कि ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हैं। जैसे ही सन आएगा ये ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे, जैसे सन चला जाएगा ये हेटरोट्रॉफिक हो जाएंगे। इनके पास सेल वॉल नहीं है इसीलिए ये एनिमल्स की तरह, इनका ये एक एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है इसलिए ये प्लांट लाइक भी है, राइट? इनकी जो मेम्ब्रेन है वो कवर होती है, एक प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं पेनिसिलिन। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेस विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑल्सो नेम फोर कॉमन वायरल डिजीजेस। तो अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस क्या है? हमें पता है वायरस तो एक बहुत ही कॉमन टर्म हो गई है पिछले 2 साल में। ठीक है, तो ये क्या है? ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, ये एसेलुलर हैं और इनके पास न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटीज हैं। ठीक है, मतलब ये अपनी मशीनरी को, इनके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं है लेकिन जैसे ही ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तो ये उनकी मशीनरी को अपनी मशीनरी बना लेते हैं और उसके अंदर ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। मतलब इनके पास कोई सेल नहीं है लेकिन इनके पास कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन्स है, न्यूक्लियस है, प्रोटीन है। ठीक है, जिस जैसे ही वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो अपनी मशीनरी समझ लेगा उसको और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म को होगा उसको भी लगेगा कि ये मेरा ही न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये मेरा ही कोई कॉम्पोनेंट है और वो उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इन्फेक्ट करते हैं अलग अलग, प्लांट में भी वायरल डिजीज़ होती है, एनिमल्स में भी होती हैं, कुछ माइक्रोब्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने एक पढ़ा नहीं है, अभी आप पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे जब हम क्लास 12 में जाएंगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये जो वायरस है, बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, हमें बात करनी है स्ट्रक्चर की और नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल की। तो ये हमने एक ओवरव्यू लिया वायरसेस का। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक तो इनके पास होता है न्यूक्लियोइड और दूसरी चीज होती है इनके पास कैप्सिड। ठीक है, एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सा होता है, ठीक है, ऐसा हेक्सागोन सा होता है। ठीक है, इनका न्यूक्लियोइड होता है और उसके बाहर होती है एक कैप्सिड, एक कवरिंग होती है। सो एनवेलप एंड एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन सम केसेस, मतलब इनके पास एनवेलप, एक न्यूक्लियस के अराउंड एनवेलप और कुछ एंजाइम्स, वो कुछ ही केसेस में होते हैं, हर एक वायरस में नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसका जेनेटिक मटेरियल। तो अगर हम इसके न्यूक्लियोइड की बात करें तो इसके न्यूक्लियोइड में होता है जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए भी हो सकता है और वो आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें आपको डीएनए भी मिल सकता है, इनमें आपको आरएनए भी मिल सकता है। दूसरी बात कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड ही होंगे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, आरएनए भी हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं। उसके बाद दे आर मेड ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज लीनियर और सर्कुलर, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने ह्यूमंस में हम पढ़ेंगे ऐसे ऐसे कॉइल्ड कॉइल्ड होते हैं, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। मतलब या तो ये लीनियर होगा या फिर ये सर्कुलर होगा, बस ऐसा ही होगा इसका न्यूक्लिक एसिड, इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो। ठीक है, अब इन्फेक्शन कॉजिंग पार्ट ऑफ द वायरस, ये जो न्यूक्लियोइड है ना, हम बेसिकली न्यूक्लियोइड की बात कर रहे हैं, तो ये वही पार्ट है जो प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रोब्स में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो एक कवरिंग है, कैप्सिड है, उसके अंदर एक जेनेटिक मटीरियल है, चाहे वो डीएनए है, आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, तो जब वो इन्फेक्ट करेगा ना एक सेल को, मतलब अगर मान लो ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर आ गया हमारा वायरस, बैक्टीरियोफाज
आ गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा यहाँ एंटर नहीं होता है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ वही एंटर होता है दूसरे सेल के अंदर, ठीक है, और उसी से इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, ठीक है। सो न्यूक्लियोइड बेसिकली कॉजेस इन्फेक्शन। उसके बाद जो डीएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं हम उनको डीऑक्सी वायरसेस बोलते हैं, जो आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं उनको हम राइबो वायरसेस बोलते हैं, ठीक है, सिंपल एंड क्लियर, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कैप्सिड की। तो कैप्सिड क्या होता है, ये प्रोटीन कवरिंग होती है वायरस की, एक वायरस की जो प्रोटीन कवरिंग होती है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और ये प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लियोइड को, जो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना, आरएनए डीएनए है, उसको प्रोटेक्ट करती है फिजिकल और केमिकल डैमेज से, ठीक है। तो कैप्सिड क्या है, कवरिंग है जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर रही है किसी भी तरह के डैमेज से। उसके बाद कैप्सिड में बहुत सारे सब यूनिट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स, राइट। तो हमने स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया, हमने न्यूक्लिक एसिड भी डिस्कस कर लिया, इसका जो न्यूक्लियोइड है वो भी डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। अब हम बात करेंगे इसके एनवेलप की, जो एनवेलप और प्रोटीन्स किसी किसी में होते हैं, सब में नहीं होते हैं, लेकिन वो एनवेलप कैसा होता है, वो एक लूज मेम्ब्रेन कवरिंग होती है जो कुछ एनिमल वायरसेस में हमें देखने को मिलता है, और प्लांट और बैक्टीरियल वायरसेस में तो वो बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। एनवेलप होगा तो ये होगा एनिमल वायरसेस में, और प्लांट और बैक्टीरियल वायरसेस में बहुत ही रेयर होगा। अब अगर एनवेलप होगा तो इन वायरसेस को हम बोलेंगे एनवेलप्ड वायरसेस, अगर एनवेलप नहीं होगा तो उनको हम बोलेंगे नेकेड वायरसेस, ठीक है। मतलब एक जो कवरिंग है उसको आप कपड़े समझ लो, अगर वो कपड़े हैं, वो एनवेलप है तो वो एनवेलप्ड है, अगर वो कपड़े नहीं है तो वो नेकेड वायरस है, ठीक है। उसके बाद जो एनवेलप होता है उसमें होते हैं ये प्रोटीन्स, जो हमने पढ़े थे कि कुछ वायरसेस में एनवेलप होता है और प्रोटीन्स होता है और कुछ में नहीं होता है, बहुत रेयरली हमें एनवेलप और प्रोटीन्स देखने को मिलता है। तो एनवेलप जो होता है उसमें वायरल प्रोटीन्स होते हैं, उसी में लिपिड्स होते हैं, उसी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। जो सरफेस होता है एनवेलप का, इट मे हैव सम आउटग्रोथ्स कॉल्ड स्पाइक्स, आपको ये आउटग्रोथ्स दिखाई दे रही है वायरसेस में, ठीक है, इनको हम स्पाइक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइक्स। अब इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनमें लाइसोजाइम्स होते हैं, इसमें आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो ये एंजाइम्स होते हैं कुछ वायरसेस में, सब में नहीं। अब हमसे पूछी गई थी कुछ वायरल डिजीजेस जो हमें पता हो, बहुत सारी हैं, कौन सी है, एक तो सबके दिमाग में ऐसे आई होगी अभी, कोरोना वायरस, राइट, कोविड, ओके। तो उसके सिवा जो हमें खांसी छींके आती हैं, जुखाम होता है, कॉमन कोल्ड होता है, दैट इज़ आल्सो वायरल डिजीज। फिर अगर हम बात करें एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, तो ये भी किसकी वजह से होता है, वायरल की वजह से। कुछ साल पहले एक डिजीज आई थी, दैट वॉज स्वाइन फ्लू, ये भी एक वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस के इंजेक्शन सभी को लगे होंगे, ये भी अगेन एक वायरल डिजीज है, ठीक है। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन। तो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। तो अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ आप जरूर डिस्कस कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम भी एक छोटे से डिस्कशन तो जरूर करेंगे। सबसे पहले है कि वायरसेस जो होते हैं ना, वो एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कहीं होते हैं। मतलब जब क्लासिफिकेशन हो रही थी तो ये नहीं समझ आ रहा था, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ रहे थे, उनकी क्लासेस भी बना रहे थे, तो ये नहीं समझ आ रहा था कि उनमें वायरसेस को हम रखें या नहीं रखें। क्यों? क्योंकि जब तक ऐसे ये हवा में घूम रहे हैं, हवा एक नॉन लिविंग एंटिटी है, राइट, तो जब तक ये हवा में घूम रहे हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई वायरस है, इसका कोई मतलब इसके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड भी है, या ये डिवाइड भी करता होगा, ये मल्टीप्लाई भी करता होगा। लेकिन जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन के अंदर आ जाएगा, या किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट, एनिमल, किसी के अंदर भी आ जाएगा, तो ये लिविंग हो जाते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं कि दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसीलिए जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने क्लास 8 में पढ़ा था, तो हमने उसमें क्लासेस पढ़ी थी, तो वायरसेस लास्ट में था, और वो भी कुछ ऐसा था कि थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक था, है ना।
तो अब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? इनके पास ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए ये लिविंग है। डीएनए, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये इनको हम एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ये इनका है, ठीक है। दूसरा है कि ये जो वायरसेस होते हैं, जैसे ही ये किसी होस्ट के अंदर आते हैं, जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, ये फटाफट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद इनमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, कुछ ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स हैं, कुछ विटामिन्स भी होते हैं, जैसे राइबोफ्लेविन भी है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगेन ये एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक आ गया। उसके बाद ये म्यूटेशंस भी शो करते हैं, ये होस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं, मतलब एक तरह का वायरस है वो एक ही तरह के होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, मल्टीपल को भी कर सकता है, लेकिन कुछ में वो एक्टिव नहीं हो पाता है, राइट। वहीं पर अगर हम म्यूटेशंस की बात करें तो बोलते हैं ना कि क्यों आज तक एड्स के खिलाफ कोई मेडिसिन नहीं है, एड्स को प्रिवेंट करने के लिए कोई मेडिसिन क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है और वायरसेस का नेचर होता है म्यूटेट कर जाना, वो थोड़े थोड़े टाइम बाद खुद म्यूटेट कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक इनकी मशीनरी है, अब ये ऐसी ही रहेगी, तो आप इसके अगेंस्ट कोई एक वैक्सीन बना दो, ठीक है। तो मतलब एक ऐसी वैक्सीन बना दो जो इसकी लाइफ साइकिल को वहां पर रोक दे, ऐसे ही बनती है वैक्सीन्स, ठीक है, कि एक पॉइंट पे हमने जैसे ही वो इन्फेक्शस होने लगता है उससे पहले ही स्टेज पर उस पर्टिकुलर इन्फेक्शस एजेंट को खत्म कर दो। लेकिन वायरसेस क्योंकि म्यूटेट हो जाते हैं तो उनकी कोई एक सेट लाइफ साइकिल नहीं है, उसकी वजह से उनके मतलब उनको वायरल डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बन पाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हम नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंटली खुद को मतलब इंडिपेंडेंटली वो नहीं रह सकते हैं, ठीक है, तब वो नॉन लिविंग हो जाते हैं, जैसे कि ये एक लिविंग एंटिटी है ही नहीं, इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम इसको लिविंग बोल दें। उसके बाद इसमें कोई रेस्पिरेशन नहीं है, कोई एनर्जी स्टोरेज का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं होती है, कोई डिविजन नहीं होती है। ये सारी चीज़ें तभी स्टार्ट होती हैं जब ये एक होस्ट के अंदर एंटर हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरा ये क्रिस्टलाइज भी हो जाते हैं, ठीक है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिस्टलाइज नहीं होता है, राइट। सो ये इसके कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप अपनी क्लास में ज़रूर ये डिबेट कीजिएगा, और जब करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स को आप क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, चैप्टर भी हमने डिटेल में पढ़ा है, क्वेश्चंस भी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। सो आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर, राइट। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।